लिख रही हूँ कि जानवरों का शोषण करना, जानवरों के साथ अत्याचार करना, ये ठीक है। बकरी का, हाँ बकरी का भी दूध पिया जाता है। मैं कल बोलूंगी कुत्ते का दूध भी मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए सेहत के लिए। कल मैम समझो, एक्चुअली आपका मोटिव क्या है? आपने लिखा देयर्स नथिंग रॉन्ग विद एनिमल क्रुएल्टी। तो मेरा मोटिव ये है आपको सोचने के लिए मजबूर करना। मैं ये लिख रही हूँ कि जानवरों का शोषण करना, जानवरों के साथ अत्याचार करना, ये ठीक है। क्यों क्यों एग्जैक्टली ये ठीक क्यों नहीं है ये आप सोचे, राइट? अगर आप लोग सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। बस पूरी दुनिया दूध पीती है, पूरी दुनिया खाती पीती है, चाय कॉफी ये सब अभी फैंसी चीजें बन गई है, तो हम हमारे लिए ये सब सही है। क्यों सही है? मैम पूरी दुनिया कर रही है, एक्चुअली एक साइकिल है। हाँ अगर ये एनिमल ही नहीं रहेगा, अगर क्रीचर्स नहीं रहेगा तो भी नॉट हम लोग लिव तो सर्वाइव कर नहीं सकेंगे। मैं व्हाई यू थिंक लाइक दैट कि आप ये अच्छा आपने, अगर मैंने आपको yes. बोला कि लोग हैं ना आजकल, आप ये भी सर्च करना कि लोग हेल्थ के लिए वीगन क्यों बन रहे हैं। नहीं वीगन जो है ना वो हाँ. इतना मतलब महंगा। अच्छा वीगन को छोड़ो, पहली बात तो अच्छा आपको नहीं? लगता है महंगा है? हाँ. रोटी सब्जी दाल चावल इडली डोसा मेंदू वड़ा पाव वड़ा पाव समोसा ये सब क्या है? आपके पास दूध के ऑप्शन कितने हैं? आप कौन सा दूध पीते, कितने ऑप्शन आपके पास? गाय और भैंस का। गाय और भैंस का बराबर। मेरे पास कितने ऑप्शन है मैं आपको बताती हूँ। खोपरे का दूध, सोय का दूध, काजू का दूध, आमंड का दूध, फिर ओट्स का दूध। एक मिनट सुनिए, ओट्स का दूध, राइस का दूध। मैं रोज घर पे ओट्स लेती हूँ, ओट्स को पानी में भिगो के बनाती हूँ उसका दूध। खोपरा हो गया, खोपरे को भी आप पीस के उसका दूध बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जानवर के साथ आप अत्याचार करने में नहीं मानते तो मैं यही बोलूंगी कि उसका दूध उसके बच्चे के लिए छोड़ दो। नहीं मैम आप चलते हो ठीक है, तो ये बात तो आपकी ये आप डिसाइड करेंगे कितना बच्चे को दूध देना है। क्या मैम आपने कभी दूध नहीं पिया? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अच्छा आप में से कोई भी है ना अगर मुझे इसका आंसर दे सके ठीक है, तो आपको क्या लगता है कोई भी हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, कुत्ता हो गया, इंसान हो गया, कोई भी पूरी धरती पे किसी और का, इंसान छोड़ दो, किसी और का दूध पीता है बड़ा होके? अच्छा मुझे इसका आंसर दो, हमारी सबकी माँ को दूध आया था जब हम पैदा हुए थे राइट, माँ को दूध बंद क्यों किया कुदरत ने या भगवान ने जो भी बोलो, माँ का दूध बंद क्यों किया 3-4 साल में? आंसर है इसका ताकि हम लोग गाय से छीने, भैंस से छीने। ऑब्वियसली जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली माँ का दूध हट जाता है ना। मुझे इसका आंसर दी, यार राइट, हमको ना बाद में पोषण के लिए दांत आ जाते हैं जिसका हम जो प्रोटीन है कैल्शियम है अब खाना खा के ले सकते हैं राइट। तो दूध बंद करने का कारण, दूध क्या होता है पता है, संपूर्ण आहार बोलते हैं उसको, पूरा पोषण है बच्चे के लिए, बच्चे को बड़ा होने के लिए। हम बोलते हैं ना कि गाय को दूध ज्यादा आता है, आप मुझे एक बात बताइए, गाय का जब बच्चा पैदा होता है ना 20 किलो का होता है, 20 किलो, इंसान का बच्चा पैदा होता है कितने किलो का होता है? 3 या 2-4 ओके। अगर इंसान का बच्चा दूध पीता है 1.5 महीने में कितना बड़ा होता है, कितना वजन का होता है? 1.5 महीना दूध पिएगा तो माँ का 7 किलो 8 महीने माँ का दूध पिएगा तो 7-8 किलो 1.5 महीने में कितना कितना आप बताइए, कोई तो बताइए, 4-4.5-5 ज्यादा से ज्यादा। गाय का बच्चा 20 किलो का होता है ना, बच्चा पैदा होता है तभी ओके, और जब 1.5 महीना दूध पीता है ना माँ का तो कितना होता है पता है? 60 किलो 60 किलो से तुरंत 3 महीने में 150 किलो 150 किलो। तो उसकी माँ को जितना दूध आ रहा है वो उसके पोषण के लिए ना। अगर आप बोलेंगे कि हाथी को उससे ज्यादा दूध आता है तो हम तो मैम कहीं ना कहीं आप उस टॉपिक पे बात करो ना, आप सीधा एनिमल क्वालिटी की बात करते हो, आप उस पे बात करो कि हाँ एनिमल को ऐसे नहीं करना चाहिए। समझ में आए राइट, तो राइट? मैं वही बोल रही हूं। आपने सीधा मिल्क को लेकर कैसे मना कर दिया? मैं बोल रही हूँ कि जानवर, मैं यही बोल रही हूँ कि जानवर के साथ हम शोषण नहीं कर सकते हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे स्वाद के लिए। अगर मैं 8 साल से मैंने अगर जानवरों के आते हुए कोई भी चीजों को बंद कर दिया है, मैं एक ट्रैकर हूँ, मैं ट्रैकर हूँ, मेरी एनर्जी लेवल है ना ऐसे राइज हुई है। अब लोग बोलते हैं ना अरे प्रोटीन का क्या, कैल्शियम का क्या, तो मुझे भी तो क्वेश्चन आया था ना मेरे दिमाग में, मेरे को भी तो जीना है ना, मेरे को मरने का शौक नहीं है, मुझे भी तो प्रोटीन और कैल्शियम चाहिए था, तो मैंने कहाँ से लिया? पहले चीज तो नॉनवेज तो बंद करना चाहिए खाने वालों। एग्जैक्टली नहीं, नॉनवेज तो मैं तो हर चीज के खिलाफ हूँ। जानवर को हम क्यों यूज कर रहे, क्यों तकलीफ दे रहे, जबकि हम उनको बिना खाए अच्छी जिंदगी, सेहत भरी जिंदगी हम जी सकते हैं, तो क्यों नहीं? पर मेरा से भी ये सवाल, हर जगह यूज हो रहा है जैसे हाँ
पुलिस हो गया, पुलिस में अगर डॉग को यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली नहीं, पुलिस में डॉग को सही बात है, अगर है तो वो चीज है, वो भी है। देखिए हम तो यही मानते हैं कि एनिमल यूज गलत ही है, एनिमल यूज गलत ही है। आज भी राष्ट्रपति भवन के अंदर 100% गलत है, 100% गलत है, 100% गलत है। लेकिन अगर आप बोलेंगे ना घोड़ों का भी तो यूज हो ही रहा है, तो गाय को तो शोषण करना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए आप समझिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ, किसी का शोषण अभी चल रहे तो चींटियां मर रही है, तो अब मुझे हाँ मैं वही बोल रही हूँ, अभी मैं काम करूंगी 100% अग्री, ग्रेट क्वेश्चन ये राइट ही है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा अच्छा सुनो, अब मैं क्या करूंगी, मेरे पैर के नीचे चींटियां मर रही है ना, चलो अब तो मैं कुत्ते को भी मारूंगी, गाय का भी दूध पीऊंगी, नहीं तो फिर हम हवा में उड़े ना मैम, चींटी मर रही है ना इसीलिए, अब तुम मुझे कुत्ते को मारने का हक है, नहीं नहीं गाय को मारने का हक है, चींटी मारी ना, चींटी का गुस्सा कब कुत्ते पे मत निकालो, मैं इनको वही बोल रही हूँ, बट कहीं नहीं कहीं मैं वही बोल रही हूँ, उसको भी कुछ छोड़ो, उसका भी अंटरटेनमेंट कुछ लाना। देखिए अगर आपके पास सलूशन है ना, आपके पास सलूशन है ना, मैं सुनने के लिए अभी भी रेडी हूँ। तो मैम ये अच्छा एग्जांपल ही है, ये चींटी का दिया, ये बहुत अच्छा सॉलिड एग्जांपल दिया, तो कहीं नहीं मैं यही बोलूंगी, फॉर एग्जांपल सुनो आप खाना खा रहे हो उसमें कीड़े लगते हैं ना, कीड़ों के लिए छोड़ना चाहिए, एग्जैक्टली। अभी आपका ये आपका सवाल कैसे पता है, कल अगर मैंने रास्ते चलते कुत्ते को लात मारा जोर से, सुनिए मैंने कल रास्ते पे कुत्ते को जोर से लात मारा, एक